हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का वापस से मेरे एक न्यू ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हूं मैं नदी में और आया था इधर नदी में घूमने के लिए गाइस। तो क्यों ना मैं आप सभी दोस्तों के लिए नदी में आप सबको दिखाता हूं कि हमारे नदी में कितना पानी बह रहा है और वो भी बहुत साफ पानी हो चुका है गाइस। तो आइए आपको दिखाता हूँ मैं कैसे क्या है हमारे गाँव की नदी का पानी और कुछ बातें भी शेयर करेंगे इस नदी से जुड़ी। हमारी जो बचपन की कुछ यादें हैं वो भी शेयर करेंगे आज के इस वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, तो लास्ट तक बने रहना इस वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आइए चलते हैं नदी के करीब और दिखाते हैं आप सभी दोस्तों को। कंटिन्यू बने रहना वीडियो में लास्ट। ये इधर एक नहर खोद दिए है गाइस जेसीबी से, क्योंकि उधर इसके बारे में मैं उधर से आऊँगा जब आपको बता दूंगा कि ये नहर किस कारण यहाँ पर खुदाई हुई है, वो भी आपको दिखा देंगे। तो बने रहना कंटिन्यू वीडियो में लास्ट तक। एंड गाइस, आ चुके हैं हम अभी नदी के पास। ये देखो गाइस, पीछे नदी दिख रही है गाइस। तो कंटिन्यू बने रहना वीडियो में लास्ट। तो गाइस, फाइनली हम नदी के पास पहुँच चुके हैं और ये देखो गाइज, ये बहुत बड़ी डाब है गाइज। नदी में सब तरफ पानी कम हो जाता है गाइज जब इसी डाब में पानी रहता है। ऐसी डाब बहुत उधर आगे भी है गाइज, और इस डाब से कुछ इसके बारे में कुछ बातें बताता हूँ मैं गाइज। और गाइज, ये डाब है यहाँ पर जो हर बरस में हमारे गांव में गणपति विसर्जन करते हैं तो यहीं पर करते हैं गाइज। ये बहुत गहरी भी है और यहीं पे गणपति का विसर्जन भी करते हैं गाइस। और बचपन में हम जब छोटे थे गाइस तब यहीं पे नहाने के लिए आते थे। वो जो पत्थर दिख रहा है वहाँ से बहुत छलांग लगा लगा कि इसमें नहाया करते थे गाइस हम। और अभी पानी देखो कुछ इस तरह का पानी है यहाँ पर, और पानी भी बहुत आसा हो चुका है गाइस, बहुत साफ है, एकदम बढ़िया क्लियर। तो आइए आपको उधर नज़दीक से जाके दिखाता हूँ मैं। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। सो गाइज, देख सकते हो आप, पानी कुछ इस तरह का बह रहा है। पानी एकदम आसा है गाइज, ये देखो मोती जैसा पानी है हमारी नदी में। और गाइज, ये हमारी नदी का नाम है उमरी नदी। हमारे ये नदी का नाम है उमरी नदी नाम है गाइज, और इसमें बहुत अच्छा पानी रहता है। चलते हैं आगे, वो जो खुदाई की हुई है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दिखाते हैं आपको। और ये खुदाई किस लिए हुई है गाइस, क्योंकि ये नदी जो है गाइस इधर से होके इधर आती थी गाइस पहले, और बीच में अभी ये केनाल बना दिए हैं क्योंकि पानी इधर से निकल जाए इसलिए। और उसका रीजन है गाइस, आइए आपको मैं वहाँ पर दिखाता हूँ उसका रीजन क्या है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। उसका रीजन था गाइस, ये जो कुआ नदी में बनाया हुआ है ना, इसके लिए वो केनल बनी हुई है गाइस, क्योंकि इसके ऊपर पानी ज़्यादा ना आए और लोड ना पड़े इसलिए। क्योंकि ये नदी के बीचों बीच कुआ बनाया हुआ है, ये कुआ, ये नदी के बीचों बीच है गाइस ये कुआ, इसके कारण वो केनल बनी हुई है गाइस। ये जो कुआ दिख रहे हो गाइस, ये कुआ पे ही मैं अभी खड़ा हूँ। और ये कुआ, वो जो पीछे दिख रहे खेत गाइस, ऊपर जो खेत दिख रहे हैं वो सोलार ऐसे है, वो सब कुछ उन खेत वालों के है। ये कुआं जो नदी के बीचों बीच बनाया हुआ है और यहाँ से पानी ले जाके वह खेतों में फसल करते हैं गाइस। तो
बस आज का वीडियो बस यहाँ तक रखते हैं गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही ब्लॉग हमेशा न्यू डेली ब्लॉग्स लेके आता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय दोस्तों।